की बड़ी खबर, स्कूली बच्चों से भरी वैन गड्ढे में गिरी, सड़क के किनारे पानी के गड्ढे में गिरी है वैन। बच्चों की चीख पुकार सुनकर मदद के लिए पहुंचे हैं लोगों ने पुलिस को दी घटना की पूरी जानकारी। रेस्क्यू कर बच्चों को सकुशल बाहर निकाला गया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव उत्तू की है ये घटना। स्कूली बच्चों से भरी वैन गड्ढे में गिरी है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढे में स्कूल बच्चों से भरी एक वैन गिर गई है। जब बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया, लोगों ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी। रेस्क्यू कर बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के गांव उत्तू की है ये पूरी घटना। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सड़क के किनारे पानी के गड्ढे में गिरी है स्कूल के बच्चों से भरी ये वैन। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मांगलिक कार्यक्रम में बार बालाओं का डांस जारी। जहां कार्यक्रम में जमकर डांस कर रही थी बार बालाएं, नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओडेरा इलाके का है यह पूरा मामला। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, मांगलिक कार्यक्रम में बाल बालाओं का डांस चल रहा है। जहां कार्यक्रम में जमकर डांस कर रही हैं बाल बालाएं, नियमों की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के ओडेरा इलाके का है ये पूरा मामला। योगी के गढ़ में प्रियंका का आगमन, गोरखपुर दौरे पर प्रियंका गांधी। 31 अक्टूबर को जाएंगी प्रियंका गांधी योगी के गढ़ में। प्रियंका गांधी का आगमन, जहां गोरखपुर दौरे पर गई हैं प्रियंका गांधी। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, शहर में खुलेआम चल रहा है सट्टा बाजार। वर्ल्ड कप 2020 को लेकर लगाया जा रहा है सट्टा। सट्टा लगाते हुए वीडियो हुआ है वायरल। जहां रजिस्टर कैलकुलेटर लेकर लोगों की जा रही है एंट्री। कोतवाली नगर के मौदहा क्षेत्र का है ये पूरा मामला। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि अयोध्या में चल रहा है सट्टेबाजी। जहां वर्ल्ड कप 2020 को लेकर सट्टेबाजी चल रही है, कैलकुलेटर के और रजिस्टर लेके लोगों की जा रही है एंट्री। कोतवाली नगर के मौदहा क्षेत्र का है ये पूरा मामला। शहर में खुलेआम चल रहा है सट्टा बाजार। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड कप 2020 को लेकर लगाया जा रहा है सट्टा। सट्टा लगाते हुए वीडियो हुआ है वायरल। कोतवाली नगर मौदहा का है ये पूरा मामला। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाई जा रही है, जहां वर्ल्ड कप 2020 के लिए सट्टेबाजी की जा रही है। सट्टे लगाता हुआ वीडियो हुआ है वायरल। रजिस्टर कैलकुलेटर ले गए लोगों की रजिस्ट्री की एंट्री की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राघवेंद्र, जिस तरीके का मामला देखने के आ रहा है, जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ है, उसमें क्या कुछ कहना है, क्या जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके देखा जा रहा है कि ये T20 मैच चल रहा है, तो इसको लेकर के जिले में कई ऐसी जगह है जहाँ पे सट्टे चल रहे हैं और सट्टा बाजार इस तरीके का चल रहा है कि खुलेआम सट्टा हो रहा है। जिला प्रशासन जो है इस पे अभी तक नाकाम साबित हो रहा है। जैसे कि आप देखे होंगे कि ये वीडियो वायरल हुआ है एक, और इस वीडियो में सरेआम ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के सट्टा लगाने के लिए लोग वहां पहुंचे हैं, जिसमें वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रजिस्टर है, लैपटॉप है और पैसे जो सट्टा लगाने के लिए लेके आए थे वो दिखाई दे रहा है। जी अगवेन, जिस तरीके से अभी ये वीडियो वायरल हुआ है, उसके चलते क्या जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई की? जिला प्रशासन अभी तक बस इतना कह रहा है कि मैं इस वीडियो जो मिला है इसकी छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है, उसके बाद अगर वीडियो यहाँ का सत्य माना जा रहा है तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।
आप देख रहे थे अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां वर्ल्ड कप 2020 को लेकर सट्टेबाजी चल रही है। सट्टा लगाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है,